धन्यवाद राय साहब, हमारे चेयरमैन, मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय अगर कोई है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, उसी पर आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसा कि राय साहब ने बताया कि हमारी आज सभी मंडल स्तरीय पर कोई ना कोई वरिष्ठ नेता आज इसको संबोधित कर रहा है, और कल हम प्रदेशव्यापी आंदोलन भी करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक ओर विधानसभा से लेकर के प्रदेश के हर कार्यक्रम में और यहां तक कि देश के कोने कोने पे, जहां भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, तो वो अपनी पीठ खुद थपथपा करके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर। एक नई उपाधि उनको मिल गई है, बुलडोजर बाबा के नाम से। उस उपाधि को लेकर के वो बड़े प्रसन्न भी हैं, बड़ी चर्चा में भी बने रहते हैं। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर भी खो दिया। पिछले 8 साल में, 17 से लेकर के अभी तक, महिला अपराध से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा मामले पूरे देश में उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध में जो शिकायतें दर्ज हुई पूरे देश में, वो 55% उत्तर प्रदेश की। बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश पर 2023 में कुल 28,811 शिकायतें दर्ज हुई।